सो भाई लोग, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सर्कस मूवी से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स, यानी कि सब कुछ आप लोग को इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या होगा, रिलीज डेट, बजट, सब कुछ, यानी कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। सो मेरे दोस्त, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसी फिल्मी अपडेट्स पाने के लिए। और चलिए मेरे दोस्त, देख लेते हैं क्या कि सर्कस मूवी में आप लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा। फाइनली आप लोग तो ये जानते ही होंगे कि रणबीर सिंह का डबल डबल कॉपी आप लोग को देखने को मिलेगा, और सुपर हीरो वाली, जैसे कि एक होता है फ्लैश, यानी कि फ्लैश जैसी स्पीड तो नहीं है लेकिन करंट तो लगता ही नहीं है। मेरे को तो भी ऐसी शक्ति चाहिए भाई लोग कि करंट ना लगे मेरे को, चाहे कितना भी बड़ा करंट हो, कितना भी हाई वोल्टेज का करंट हो, मेरे को ना लगे। ऐसी शक्ति मिल जाती तो वाह रे वाह क्या हो जाता। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि इसमें बहुत सारे एक्टर्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, बहुत के मतलब बहुत सारे, यानी कि बहुत एक्टर्स आप लोगों को सिनेमा बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ सारे एक्टर्स को, हालांकि इसमें आप लोगों को अजय देवगन भी देखने को मिलेंगे, यानी कि गोलमाल इंडस्ट्रीज के थोड़े बहुत जो थे वो सब जुड़े होंगे आपस में। अजय देवगन को भी इसमें दिखाया जाएगा, थोड़ा सा रोल होगा इनका भी, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें रणबीर सिंह का डबल डबल रोल होगा, वरुण शर्मा का डबल डबल रोल होगा, और मैं दोस्त इसमें पूजा हेगड़े भी देखने को मिलेंगे, अजय देवगन भी देखने को मिलेंगे, दीपिका पादुकोण का भी थोड़ा थोड़ा रोल होएगा, और जैकलिन फर्नांडिस भी आप लोग को देखने को, मुरली शर्मा आप लोग को देखने को मिलेंगे, और कॉमेडी के तौर पे जॉनी लीवर आप लोग को देखने को मिलेंगे, संजय मिश्रा देखने को मिलेंगे। जो जॉनी लीवर तो आप लोग को बताएंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, कैसे की जाती है इस मूवी में, आप लोग देखिएगा। और ये मूवी रिलीज हो रही है 23 दिसंबर 2022 में ही, और देखिएगा आप लोग कि सेल्फ रिस्पेक्ट किसे कहते हैं। अपना ही पैर छू के और सेल्फ रिस्पेक्ट कराते हैं, अपना अपना पैर छूओ तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, यानी कि रिस्पेक्ट दूसरे को कहते, सेल्फ को दे दें यानी कि खुद को दे दें। वही जॉनी लीवर, यानी कि कॉमेडी ही कॉमेडी आप लोग को इस मूवी में देखने को मिलेगी, दमदार कॉमेडी देखने को मिलेगी। वरुण शर्मा भी कॉमेडियन ही है, उनकी भी कॉमेडी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। और इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, रणबीर सिंह जो जिनको करंट लगता ही नहीं, और जब करंट को छूते हैं तो दूसरे वाले को करंट पकड़ लेता है, यानी कि दूसरे की हालत ख़राब हो जाती है। इसमें डबल डबल रोल होता है, वही जय बीरू वाली शक्ति, जय बीरू वाली दोस्ती आप लोग को इसमें देखने को मिलेगी कि एक को लगा तो दूसरे को, यानी कि बहुत ही दिलचस्प कहानी है इस मूवी में और बहुत ही दिलचस्प आप लोग को देखने को मिलेगा। हालांकि इसका बजट मैं क्लियर कर दूं तो इसका बजट लगभग में 90-100 करोड़ है, ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हालांकि फिलहाल ठीक ठाक है, देखने योग्य है, एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है रोहित शेट्टी की। हालांकि ये फिल्मी दुनिया के बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली मूवी बनाते हैं, यानी कि फैमिली मूवी फैमिली के साथ देख सकते हैं, ड्रामा कॉमेडियन ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलती है, और सुपर हिट तो होती है, यानी कि सुपर हिट नहीं कहा जा सकता लेकिन चलती है इनकी मूवी बहुत ही ज़बरदस्त, फ्लॉप तो होती ही नहीं है। और इसमें चारों को दिखाया जाएगा, और चारों कौन थे लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उन चारों को आप लोग क्या जानते हैं, क्यों लास्ट में जो चारों टीजर में दिखाए गए हैं वो चारों कौन थे, वही धमाल वाले चारों वही थे मेरे दोस्त। और आप लोगों को कैसी लगी ये रिव्यू वीडियो, अगर अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी रिव्यूज पाने के लिए जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि ऐसी फिल्म अपडेट से आप लोग जुड़े रहेंगे अगर सब्सक्राइब कर देंगे इस यूट्यूब चैनल को। तो अगर नहीं भी जुड़े रहना चाहते तो कृपया सब्सक्राइब तो करके ही जाइएगा। सो चलिए मेरे दोस्त, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फिल्मी अपडेट्स के साथ।